नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले डूंगरपुर से खबर। यहां पर बिछीवाड़ा पंचायत समिति सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम रामकिशन मीणा ने पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल स्वावलंबन अभियान सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शीतला सप्तमी के अवसर पर रंगोत्सव पर रंग होली खेली गई। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे को रंग लगाया। मांगरोल से गुर्जर समाज के लोगों की पैदल यात्रा झाड़ौती के देवनारायण मंदिर के लिए रवाना हुई, जिसका समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर के 9Z गांव में ग्रामीण डिग्गी का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, जिसके चलते बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। सीकर में जोगियों की ढाणी में बोरिंग से पानी भरने की बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए। मामले को लेकर दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ रेंगस थाने में मामला दर्ज करवाया है। बौली पंचायत समिति क्षेत्र की 31 ग्राम पंचायतों में 13,237 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए अर्जी दी है। जैसलमेर में बलाड़ पंचायत मुख्यालय पर लगे आरओ प्लांट की 4 दीवारें ढह गई, लेकिन जलदाय विभाग इस पर ध्यान नहीं गिरा। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कॉलेज में विकास शुल्क के नाम पर हो रही अवैध वसूली रोकने की मांग की। उदयपुर के घासा थाना इलाके में आपसी विवाद के बाद पुत्र ने धारदार हथियार से हमला कर पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खरसाना में ग्राम पंचायत केंद्र पर संगम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ की महिला जवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा में सीनावासा गांव के सरकारी स्कूल में एडीएम हिम्मत सिंह ने 18 पीईओ को पीईओ और अभिभावकों की बैठक ली। पाली के गुड़ा अखिलाज में रास्ते पर गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण इस बार वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। भरतपुर की गावड़ी ग्राम पंचायत में रास्ते में गंदा पानी जमा होने से वाहन चालक परेशान है। प्रतापगढ़ के रठांजना में पुलिस ने उत्पात मचाते 2 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बीकानेर के कुलायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। टोंक में पीपलू के अनवर नगर में 133 केवी सब ग्रिड स्टेशन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे दर्जनों गांवों को राहत मिलेगी। कालादेरा के रीको इलाके में बाड़े में बंद बकरियों पर अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया, 19 बकरियों की मौत हो गई। भोपालगढ़ के बासनी खुर्द में बना किसान सेवा केंद्र अनुपयोगी साबित हो रहा है, इसे अभी तक कृषि विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया। कोटखावदा में अचानक तेज हवा के साथ आए अंधड़ से कई पेड़ धराशाही हो गए, जिसके चलते चाकसू दौसा स्टेट हाईवे अवरुद्ध हो गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में पूर्व विधायक डॉक्टर परमनदीप सिंह ने जनसुनवाई की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राजस्थान फुटबॉल संघ एवं जिला फुटबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के ग्राम सेवक 11 सूत्री मांगों को लेकर 12 मार्च को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए ग्राम सभाओं का बहिष्कार करें। इस संबंध में सागवाड़ा सहित अन्य पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों ने विकास अधिकारियों को ज्ञापन दिया। बदनौर में प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से चिकित्सक लगाने की मांग की। 12 के शेरगढ़ किले में 29 मार्च से 11 अप्रैल तक फिल्म कप्तान की शूटिंग होगी, जिसमें कई बॉलीवुड कलाकार पहुंचेंगे। हेल्पिंग हैंड्स वुमेन वेलफेयर सोसाइटी श्री करणपुर द्वारा श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया गया। झालावाड़ के बकाली में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के आह्वान पर ग्राम सेवकों ने आगामी ग्राम सभाओं का बहिष्कार किया और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सीकर के चैनपुरा गांव का लाड़ला नायब सूबेदार चुन्नीलाल की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। सेना की टुकड़ी ने चुन्नीलाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर में विद्युत निगम द्वारा बकाया को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1,40,000 रुपये वसूले। डूंगरपुर में सीमनवाड़ा ब्लॉक के आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों की कार्यशाला का आयोजन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया गया।
कार्यशाला में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। छबड़ा में थाना प्रभारी सुगन सिंह के तबादले से लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दो दिनों से तबादला निरस्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम और लोग धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। अजमेर के अराई में स्थित कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया। जोधपुर के फलौदी कुंडल एयरबेस सड़क मार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण की नियत से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। कुंडल फलौदी सड़क मार्ग पर निर्माण एयरबेस की सुविधा को लेकर बनाया गया, लेकिन यह सड़क मार्ग भी अतिक्रमियों की नजर से अछूता नहीं रहा। बारा में बोहत के पास दो बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर के बीज बायल में लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भीलवाड़ा के जाटपुर में सड़क किनारे युवक का शव मिला, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। ग्रामीणों की पटवार घरों में भीड़ लगी हुई है। धौलपुर के मालीपुरा गांव में खेत में रखी सरसों की खिरान में आग लग गई, जिसे लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। उदयपुर में ओबरी गांव के पास एसिड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से हटाया। सादर शहर के एक निजी स्कूल में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि उपज मंडी समिति की पूर्व चेयरपर्सन ने अपने विचार रखे। बांसवाड़ा की उम्बाड़ा पंचायत का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया और ग्रामीणों से योजनाओं के बारे में जानकारी ली। बाड़मेर में निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत अध्ययनरत बालकों की सत्र 2017-2018 की भरण पोषण राशि निजी विद्यालयों को अब तक नहीं दी गई। भरतपुर की नगर तहसील में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर पोल और झूलते तारों से हादसे की आशंका बनी रहती है। प्रतापगढ़ के घंटाली में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पांचों में फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दलित समाज के लोगों ने थाने पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। टोंक के पीपलू में गहलोत से देवरी के बीच खस्ता हाल सड़क होने से वाहन चालक परेशान है। अमरसर थाना इलाके के महरों की ढाणी में करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कोटपुतली कस्बे के अंबे विहार स्थित निजी स्कूल में विदाई समारोह एवं मोटिवेशनल सेमिनार हम होंगे कामयाब का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, वहीं जूनियर्स ने सीनियर्स को तिलक लगाकर विदाई दी। झालावाड़ की आवर पीएचसी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, 55 गर्भवती महिलाओं की जांचें की गई। हनुमानगढ़ के टिब्बी में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तृतीय चरण में चल रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आईजीएमपी की आरडी 582 और 29 करोड़ की लागत से बन रहे क्रॉस रेगुलेटर हेड का भी निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में शीतलाष्टमी परंपरागत तरीके से मनाई गई, लोगों ने एक दूसरे को रंग तथा गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सुंदरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में सिसोद गांव के पास अनियंत्रित होकर एक कार पोल से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि कार सवार चार लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा के बदनोर में तेज धूप के बाद अचानक मौसम पलटा, हल्की बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। रायसिंह नगर में एसपी के निर्देशन में निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर और जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर के नायपुर गांव में जनसुनवाई और गोठ बिहारी गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। एसडीएम सुनील आर्य ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर में फलसून के आदर्श विद्या मंदिर में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। धौलपुर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी की बैठक हुई, जिसमें नए युवाओं को जोड़ा गया। उदयपुर के जावड़ गांव में आवारा कुत्तों ने एक नीलगाय पर हमला कर उसे घायल कर दिया, मौके पर मौजूद लोगों ने इसे बचा लिया। अनूपगढ़ में नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर 21 मार्च से नगर पालिका कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस बारे में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। बांसवाड़ा के मंगलेश्वर धाम नदी में दो नवजातों के शव मिलने से सनसनी फैल गई।
पाली सादड़ी नगर पालिका में जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त है, जिससे पानी बेकार बह रहा है। भरतपुर की वेर पंचायत समिति की चक धरसोनी ग्राम पंचायत में नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, लेकिन पंचायत का इस तरफ ध्यान नहीं। ओसिया में किसानों ने समर्थन मूल्य पर फसल खरीद शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीकर के नीमका थाना में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 2 लाख रुपए और जेवरात चोरी किए। घटना के वक्त पीड़ित परिवार बाहर गया हुआ था, पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के खूरिया में बिजली का तार टूटने से गेहूं की फसल में आग लग गई, वक्त रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। लूण करणसर में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से आईटी क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में इंद्राज विश्नोई प्रथम रहे, जिन्हें एसडीएम ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टोंग से गहलोत के बीच बनास नदी पर बना रपटा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, आवाजाही में बाधक बन रहा है। इसके खस्ता हाल होने से टोडा रायसिंह मालपुरा पीपू तहसील के 100 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित होती है। चौमू बस स्टैंड पर एक युवती को छेड़ने के मामले को लेकर हंगामा हुआ, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कोटपुतली के निकटवर्ती पनियाला मोड़ स्थित निजी स्कूल में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। झालावाड़ जिले के डक कस्बे में जगदीश मंदिर परिसर में महिलाओं ने फूल व गुलाल से होली खेली। टिब्बी के सिलवाला खुर्द गांव में पूर्व उप जिला प्रमुख शबनम गुदारा ने संवाद किया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में आसावरा शबनम गुदारा ने सरकार से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी और कृषि भूमि की कुर्की की कार्रवाई को रोकने की मांग की। अजमेर के अराई आकोड़िया सहित आसपास की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन सरपंच की अध्यक्षता में किया गया। डूंगरपुर के साबला कस्बे में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और घरेलू सामान और 20,000 के आभूषण पर हाथ साफ किया। कोटड़ी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर हो रहे अतिक्रमण को एसडीएम के निर्देश के बाद हटाया गया। सीकर के रिंगस में पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किसान ग्रामीण विकास समिति की ओर से सहायता समूहों को सेविंग ऋण वितरित किए गए। गंगापुर सिटी एसीजेएम न्यायालय में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति को 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। धौलपुर के कुदन्ना सायपुर में स्थित जैतपुरी बाबा मंदिर पर ग्रामीणों ने श्रीमद भगवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उदयपुर जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मावली की 2 महिला सरपंचों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के पतरोड़ा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर ग्रामीणों में खुशी है। बांसवाड़ा की सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने महज 24 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। सिरधरी पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस को देखकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप है। भरतपुर की भुसावर तहसील में सीएचसी के मुख्य गेट पर ट्रांसफार्मर लगा होने से हादसे का अंदेशा बना रहता है। प्रतापगढ़ में जालोदा जागीर के राजकीय विद्यालय में सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीकानेर के महिराणा में पुलिस के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिया के पास मिला है। टोंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों पर पटवारी हस्ताक्षर नहीं कर रहे, इसके चलते अधिकांश गांवों के आवेदक चक्कर काट रहे हैं। जोधपुर के तिवरी में 18 मार्च से रामकथा का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर समिति की बैठक हुई। झालावाड़ के चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में आयोजित नन्ही उड़ान कार्यक्रम में आरपीजी अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार ने भाग लिया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहां सीकर के नीमका थाना के गुहाला में पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की, क्योंकि लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और 3 दिन में पानी की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सवाईमाधोपुर के खंडार उपखंड के बालेर में अष्टभुज देवी माता के मेले का ताराचंद शास्त्री ने पूजा अर्चना करवाकर शुभारंभ किया। भरतपुर के सर्वथा में डिस्काम द्वारा बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 6 गांवों पर 17,35,000 की राशि बकाया होने पर 10 ट्रांसफार्मर उतारे गए। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने वाहन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सादर शहर के जेबीटी कॉलेज में खेलकूद एवं सांस्कृतिक सप्ताह समारोह के 4थे दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। बांसवाड़ा के खमेरा में कलेक्टर भगवती प्रसाद ने खमेरा नहर परियोजना का निरीक्षण किया। बाड़मेर कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने चौहटन कस्बे में स्थित अस्पताल और छात्रावासों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ब्लॉक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। छोटी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का आलम है, जिससे लोग परेशान हैं। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में स्वर्गीय भूराराम सेरड़िया की 17वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। टोंक के रानोली में शिव शिक्षा समिति के सहयोग से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत निःशुल्क जांच शिविर आयोजित हुआ। शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की गई। जयपुर के सामोर थाना इलाके में बंदोल में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जोधपुर के बालेसर में अमर शहीद प्रभु सिंह राठौड़ की बहन लक्ष्मी कंवर की शादी का समारोह हुआ। कोटपूतली के पवाना अहीर गांव में सड़क किनारे पुलिस कांस्टेबल का शव मिला है। झालावाड़ की गंगाधार ग्राम पंचायत में गंदगी फैली होने से बीमारियों का अंदेशा बना है। हनुमानगढ़ के संगरिया में एसडीएम लगाने की मांग को लेकर चल रहा नागरिकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। चित्तौड़गढ़ के चिकारड़ा में डूंगला मार्ग पर पेयजल पाइपलाइन टूटने से निचली बस्तियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। उदयपुर के सलूमर में देव गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, तो इस हादसे में आपको बता दें बाइक चालक दोनों लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए। कोटपूतली में ट्रांसपोर्ट संघ से जुड़े सैकड़ों वाहन मालिकों ने ओवरलोड परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। रावतसर कस्बे में शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति का पुनः निर्माण किया जाएगा। अजमेर के सरवाड़ में माहेश्वरी समाज के चुनाव आयोजित हुए, जिसमें लक्ष्मीकांत मंत्री चुने गए। अलवर की बैरून में नया बस स्टैंड स्थित स्काई कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। कोचिंग सेंटर के अंदर लगा लकड़ी का फर्नीचर और कंप्यूटर सहित तमाम सामान जलकर खाक हो गए। जयपुर के मनोहरपुर में वाहन की टक्कर से बघेरे की मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में पिता की बीमारी के चलते हेड कांस्टेबल सवाई सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जालौर के आहोर में एक डंपर ने युवक को कुचल दिया। अलवर के खैरथल में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। मृतक व्यापारी मुकेश अग्रवाल के शव का अलवर के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। बांसवाड़ा की कलिंजरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खोकरवा गांव में देसी शराब की 2 भट्टियां नष्ट करवाई। पुलिस ने करीब 200 बोतल देसी और 26 बोतल बियर जब्त की। जैसलमेर के लाड़ेला के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के शव को मोर्चे में रखवाया है। मृतक जोगा गांव का रहने वाला किशन सिंह बताया गया। अजमेर की आबकारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मर्सिडीज बेंज कार ले जाई जा रही अवैध शराब की 29 पेटियां जब्त की है। बीकानेर के गंगा शहर में एसडीपी स्कूल की छात्रा से बाइक सवार कुछ युवकों ने मारपीट की और उसका आई कार्ड छीनकर फरार हो गए। 10 साल की छात्रा के साथ हुई इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश है। उदयपुर के एमबी अस्पताल की बाल इकाई राम भरोसे चल रही है। रात के वक्त आपातकालीन इलाके में बच्चों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के 2 इमरजेंसी के बीच मरीज चक्कर काटने के लिए मजबूर है। नर्सिंग स्टाफ भी मौके पर नहीं मिलता। दौसा के बांदीकुई में एनडब्ल्यूआरईयू के जयपुर मंडल के युवा रेल कर्मियों के 2 दिवसीय यूथ महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान मुख्य मार्गों में रैली भी निकाली गई। जोधपुर के ग्रामीण पुलिस एसपी राजद दुष्यंत ने भोपालगढ़ पुलिस थाने का निरीक्षण किया। अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।